नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हूँ, जो कि ITI कैंडिडेट्स के लिए है। वो सभी ITI कैंडिडेट्स जो अभी रिसेंटली नवंबर दिसंबर में अपना एग्ज़ाम देने वाले थे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की, उनके लिए यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, या ये कह लो एक सैड न्यूज़ है। जैसा कि आप लोग जान रहे थे, काफ़ी टाइम से आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले थे, जो कि टल रहे थे, पोस्टपोन हो रहे थे या फिर एक्सटेंड हो रहे थे। वो रिसेंटली एग्ज़ाम 23 नवंबर से होने वाले थे, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये एग्ज़ाम भी अब एक्सटेंड कर दिए गए हैं, अब इनकी डेट लगभग बढ़ा दी गई है। क्या डेट तय हुई है इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये जो एग्ज़ाम 23 नवंबर से होने वाले थे वो अभी अभी नहीं हो रहे हैं, वो एग्ज़ाम अभी टाल दिए गए हैं। उसी के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 18/11/2020 का नोटिफिकेशन है, जो कि आज ही आया हुआ है। तो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है लिखा हुआ है, पोस्टपोनमेंट ऑफ AITT अंडर CTS टू बी हेल्ड इन नवंबर दिसंबर 2020। यानी कि ये जो CTS बोले तो ये ITI के लिए होता है, यानी कि जो ITI एग्ज़ाम होते हैं वो CTS के थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये एग्ज़ाम जो नवंबर में होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब मैं आपको अच्छे से रीड करके बताता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रेंड, ड्यू टू कोरोना वायरस केस इन दिल्ली इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020 एंड हाई रिस्क एंड पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस केसेस, द एग्ज़ाम शेड्यूल फ्रॉम 23/11/2020 ऑनवर्ड इज हेयर बाई पोस्टपोन टू जनवरी/फरवरी 2021। यानी कि जो एग्ज़ाम 23 नवंबर को होने वाला था दिल्ली में, काफ़ी अधिक अब कोरोना फिर से फैलने लगा है, उसके चलते हुए काफ़ी रिस्क है, इसलिए ये एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जनवरी फरवरी में किया जा सकता है, लेकिन अभी कोई भी फिक्स डेट नहीं आई है, बस जनवरी फरवरी में होगा ऐसा बताया गया है। तो एक बार फिर से यहाँ पर ITI में जो सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी सैड न्यूज़ है, क्योंकि उनके 2 साल पूरे हो चुके हैं। अगर उनका एग्ज़ाम हो गया होता तो कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे होते, तो उनका एग्ज़ाम अगर जनवरी फरवरी में होगा तो पता नहीं कब उनका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर ITI के उन कैंडिडेट्स के लिए जो उनका ITI फाइनल होने वाला था। तो फ्रेंड यही सैड न्यूज़ है ITI कैंडिडेट्स के लिए। अब हम क्या ही कह सकते हैं, हम लोग काफ़ी तैयारी कर रहे थे यहाँ पर कि 23 नवंबर से एग्ज़ाम होंगे, बताइए आज 18 नवंबर है और आज यहाँ पे बोल दिया गया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो सॉरी फ्रेंड, जो हुआ उसके लिए अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अब हम लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड मेरे पास आज ITI के स्टूडेंट्स के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ठीक लगी होगी, या जैसी भी लगी हो प्लीज़ इसे लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।